चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक के महीने में आंवला नवमी की पूजा कैसे करते हैं और आंवला नवमी की पूजा करते समय थाली में हमें क्या सामान चाहिए वो बताऊंगी। आंवला नवमी की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इससे पुण्य फल देने वाला होता है। जैसे अगर आप पूरे महीने कार्तिक का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर कुछ जो कार्तिक के पवित्र दिन हैं, जैसे देव उठनी एकादशी है, गोपाष्टमी है, आंवला नवमी है, इनकी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको पूरे महीने कार्तिक का व्रत का फल मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको थाली में सामान बताऊंगी कि मैंने थाली में क्या सामान जमाए हैं। तो आइए अब हम कार्तिक में जो आंवला नवमी की पूजा करते हैं वो मैं आपको पूरी विधि बताऊँगी। पूजा थाली में जो मैंने सामान जमाए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले एक पानी का लोटा है, लाल कपड़ा है, मोड़ी है, गुड़ है, मेहंदी, काजल, रोली, नारियल और दक्षिणा के पैसे, और ये मैंने दीपक लिया है घी का, और ये चावल लिए हैं, और ये आंवले का जो पेड़ है, और ये आंवला लिए हैं। अगर आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं तो 108 आंवला लें, अगर आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो आप 8 आंवले लेकर भी आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आंवले के पेड़ में इस तरह से जल छोड़ना है। ये यहाँ पर तुलसी का पौधा भी उगाया है आंवले के पेड़ के पास में, तो इस तरह से हम पहले सबसे पहले जल छोड़ेंगे। जल छोड़ने के बाद हम दीपक जलाएंगे। तरह से हम ये दीपक रख देंगे। उसके बाद रोली से हम इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से हम स्वास्तिक बनाएंगे, ये चावल लगाएंगे, और इस तरह से हम ये नारियल भी यहाँ रख देंगे। तो ये नारियल यहाँ बस यहाँ अड़ा के हम ये यहाँ इस तरह से हम एक इन्होंने यहाँ पे टोकरी रख रखी है उसमें रख देंगे। उसके बाद में जो ये मेहंदी है वो मेहंदी लगाएंगे, तरह से हाथ में मेहंदी लेंगे और मेहंदी हम इस तरह से यहाँ मेहंदी लगा देंगे। सुहाग की सारी चीज़ें लगाई जाती है इसलिए मेहंदी लगा देंगे, काजल लगा देंगे, इस तरह से काजल लेंगे हाथ में और इस तरह से हम ये काजल लगा देंगे। काजल लगाने के बाद कोई भी मीठी चीज़ जैसे मिठाई है, गुड़ है, कुछ भी पताशे, तो मैं ये गुड़ लाई हूँ तो ये हम इस तरह से गुड़ लेके हम यहाँ रख देंगे। और उसके बाद में जो ये चीर जिसे हम लाल कपड़ा बोलते हैं, ये जो कपड़ा है ये इस तरह से हम यहाँ ऐसे लगाएंगे और लगा के इस तरह से हम मोड़ी से बांध देंगे। इस तरह से मोड़ी से हम ये चीर बांध देंगे और वापस से जल छोड़ देंगे और दक्षिणा के आपके हिसाब से पैसे रख देंगे। तो दक्षिणा के इस तरह से पैसे रख देंगे। पैसे रखने के बाद में यहीं पे बैठ के आंवला नवमी की कहानी सुनी जाती है। तो इस तरह से हाथ में आंवला लेके और चावल लेके, चार दाने चावल के लेंगे और लेके और ये इस तरह से आंवला हाथ में लेके कहानी सुनेंगे। उसके बाद में अगर आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं तो 108 परिक्रमा लगाते जाएंगे, इस तरह से उठ के 108 परिक्रमा लगाएंगे और एक एक जो आंवला है इसमें इस तरह से छोड़ते जाएंगे। और उस समय हमें या तो भजन गाते हुए परिक्रमा लगानी है या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का नाम जपते हुए आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस तरह से 108 परिक्रमा लगा के एक एक आंवला इस तरह से यहाँ छोड़ते जाएंगे। और जो ये आंवला है वो पंडताली ले लेती है या फिर जिनके यहाँ हम ये पूजा करने जाते हैं मंदिर में वो ले लेते हैं। उसके बाद में
इस तरह से हाथ जोड़ के घर की खुशहाली की कामना करते हैं और उसके बाद में हाथ में इस तरह से जल लेते हैं। जल लेने के बाद में जो ये रोली लेंगे, चावल लेंगे और जो हमने ये आंवला लिए हैं, इस आंवला पर हम इस तरह से घुमा देंगे एक बार ऐसे घुमा के, और फिर हम बोलेंगे आसो मासो तमासो घर की धरानी, बेटा बेटे की माँ भाई की बहन, मैंने कार्तिक के महीने में पूरे मैंने व्रत किया है और आज आंवला नवमी का व्रत किया है, तो हे आंवला नवमी माँ मेरा ये व्रत स्वीकार करो। इस तरह से हम ये जल यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद में ये आंवले हम यहाँ रख देंगे और फिर चिट्टी उंगली से इस तरह से ये जो छाल है, ये छाल इस तरह से चिट्टी उंगली से तोड़ी जाती है। चिट्टी उंगली से तोड़ के फिर इस छाल को आप अपने घर में जो आपके पैसों की तिजोरी या आपके जहाँ गहने हैं वहाँ ये छाल रख देते हैं। कहा जाता है कि ये जो छाल है चिट्टी उंगली से एक बार में ही तोड़ना चाहिए, जितना भी टूटे बस एक बार में ही तोड़ें और इसे आप एक लाल